मैं पूजा पीतलिया गुरुकुल एकेडमी से आपकी हिंदी टीचर आज आपको क्लास सेवेंथ का फोर्थ लेसन पढ़ाऊंगी कठपुतली। कठपुतली के लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र। कठपुतली का जो है ये पुरानी लोक कला है ना, जो कि हमारे देश में है, चली आ रही है हमारे देश में, विदेशों में भी प्रचलित है और भारत में भी अभी तक है ये, है ना। और भवानी प्रसाद मिश्र जी ने इसमें क्या कहा है कि कठपुतली का मनोदशा का सुंदर चित्रण किया है। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। कठपुतली क्या कह रही है, वो गुस्से से बोल रही है कि जिन धागों को मुझे चलाया जा रहा है, मैं ये मेरे आगे पीछे आगे क्यों है, इन्हें तोड़ दो और मुझे पीछे और मेरे पीछे मेरे पांवों पर मुझे मेरे पांवों पर चलने दो, स्वतंत्र रूप से मुझे मेरे पांवों पर चलने दो। मेरे पास मेरे पैर हैं, मुझे इन धागों की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए इन धागों को तोड़ दो, मुझे स्वतंत्र पूर्वक चलने दो। वो है ना गुस्से से बोल रही है कठपुतली कि मुझे स्वतंत्र छोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो, मतलब मुझे मेरे पांवों पर स्वतंत्र पूर्वक मुझे चलने दो। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, है ना। अब दूसरी कठपुतली में क्या बोल रही है, जब एक कठपुतली ने स्वतंत्र होने की इच्छा जताई तो बाकी कठपुतली भी विद्रोह करने लगी और बोलने लगी, और कठपुतली कह रही है कि हे हमें भी अपने मन की मर्जी से तो कुछ काम किया ही नहीं, अपनी मर्जी से हमेशा धागों से बंधे रहते हैं, जो भी चलाने वाला होता है उसी के हिसाब से चलते हैं, नाचते हैं, बोलते हैं, गाते हैं, जो भी करते हैं उसी के हिसाब से करना पड़ता है, अपने मन से कोई काम अभी तक कर नहीं पाते हैं। इसलिए लेखक ने अन्य कुटलियों कठपुतलियों के स्वतंत्र होने की इच्छा को प्रदर्शित किया है, और यह इच्छा कब जागती है, जब पहली कठपुतली की बात को अपने मन को अपने मन में आती है, जब पहली कठपुतली की अपने मन में बात आती को सुनती है तो वो दूसरी कठपुतली भी क्या करती है, तो हाँ वो भी विद्रोह करती है, वो भी बोल रही है हमको बहुत दिन हो गए बनते हुए, अपनी मन की मर्जी की नहीं करी है, सब दूसरों को धागों से जो हमको नचाते हैं, जो हम अपने उसके हिसाब से हम चलते हैं, और हमारे मन के छंद मतलब हमारे मन के भीतर की जो उठने वाली भावना है वो हमें उनका हमारा कविता के रूप में उभर कर सामने आती है। अब है मगर पहली कठपुतली सोचने जगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। लेकिन जब ये हुआ कि बाकी कठपुतलियों ने स्वतंत्र होने की इच्छा प्रकट की, तो पहली कठपुतली सोचे पड़ गई, है ना, वो सोचे पड़ गई कि कैसी इच्छा मेरे मन में जाग गई स्वतंत्र होने की, और मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ तो मेरे साथ ही अन्य कठपुतलियां भी स्वतंत्र होना चाहती है, है ना। वो बोल रही मैंने ऐसी क्या इच्छा जाग उठी मेरे मन में, मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ तो बाकी सब कठपुतलियां भी स्वतंत्र होना चाहती है, तो मेरे साथ ही अन्य कठपुतलियां स्वतंत्र होना चाहती है, क्या पता ये कठपुतलियां स्वतंत्र होकर खुश रहेगी या न रहेगी, इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आ जाती है, अन्य कठपुतलियों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाएगी, आ गई है, और जिम्मेदारियों का भार आते ही अपने निर्णय पर संशय कर लेती करने लगी, क्या उसकी स्वतंत्र होने का निर्णय ठीक है या नहीं, अपने लिए तो निर्णय ठीक है पर वह दूसरों के लिए दूसरों को स्वतंत्र होना चाहती है, लेकिन बाकी कठपुतलियों की जिम्मेदारी वह नहीं उठाना चाहती, इसलिए वह सोच में पड़ गई कि कैसी इच्छा उसके मन में जगी है स्वतंत्र होने की, उसके मन में वो सोचती है, है ना। ये आपका कठपुतली वाला लेसन कंप्लीट हुआ। अब इसके अपन क्वेश्चन आंसर देखते हैं, है ना। सही विकल्प पर राइट का निशान लगाइए। कठपुतली कविता के रचयिता हैं श्री प्रसाद सिंह, महादेव वर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र। कठपुतली के मन में इच्छा हुई नाचने की, छंद छूने की, गाने की। क्या मन में इच्छा हुई उनके, हमें अपने मन के छंद छूने की इच्छा हुई, है ना। पांव पर छोड़ देने का भाव है स्वतंत्र कर देना, सहारा देना आशयहीन करना, स्वतंत्र कर देना, स्वतंत्र कर देना राइट है। कठपुतली की बात से अन्य कठपुतलियां हुई प्रसन्न प्रेरित, ये दोनों प्रेरित हुई, वो भी कठपुतली की बात सुनकर वो भी अन्य कठपुतली विद्रोह करने लगी कि हम भी स्वतंत्र होना चाहते हैं, है ना। नीचे लिखे पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसके आपको प्रश्न उत्तर के आंसर लिखकर फोटो सेंड कर देंगे। फिर तीसरा है नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए, इनके आंसर लिखकर आपको फोटो सेंड करेंगे। फिर है भाषा संहिता, है ना। कठपुतली शब्द दो शब्दों काठ तथा पुतली से मिलकर बना है ना। इसी प्रकार आप नए शब्द बनाइए, जैसे कंठ फोड़ा, है ना, कर से, हाथ से हथकरघा, सोना सोन से, सोन
चिरैया मिट्टी मटमेला, तीन से त्रिकोण, चार से चौगुना, है ना। कविता में ऐसे शब्द आए ना, नीचे लिखे शब्द युग्मों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए, है ना। जैसे पीछे आगे, मीरा के पीछे कुत्ता व आगे गाय खड़ी है, ऐसा वाक्य बनाने हुए। और मोहन और सोहन व राम और श्याम दोनों भाई है, ऐसे वाक्य बनाने, ये आपको बुक में फील करना है ना। मेरा तेरा, ये मेरा है और ये रबर, ये पेन मेरा और ये पेंसिल तेरी है, या पेंसिल या रबर तेरा है ना। दिन रात, राकेश दिन रात कार्य करता है। हाथ पांव, मनोज के परिश्रम करने पर उसके हाथ पांव दुखने लगे, ऐसे वाक्य आप दूसरे वाक्य भी बना सकते हो, ठीक है ना। ये लेसन हो गया कंप्लीट, आपका फोर्थ लेसन है ना कठपुतली, सेवन क्लास फोर्थ लेसन कंप्लीट हो गए। अच्छे से पहले शब्दार्थ लिखोगे, नए पेज से स्टार्ट करना है अच्छे से, और ये विकल्प वाले तो बुक में करने, क्वेश्चन आंसर अगर फोटो सेंड करेंगे वो आपको कॉपी में करने, शब्दार्थ लिख के, ठीक है। ओके बाय।